शासकीय कर्मचारी जो लगातार मांग कर रहे थे, सभी शासकीय कर्मचारी महंगाई भत्ता 4% की वृद्धि की गई है। संविदा कर्मचारी जो 37,000 लगभग हैं, तो संविदा वेतनमान में 27% के वृद्धि की गई है। दैनिक वेतन भोगी जो श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर है, उसमें 4,000 रुपया प्रति माह उसके वृद्धि की गई है। अतिथि शिक्षक उसका 2,000 मासिक वृद्धि की गई। समस्त पटवारी का 500 रुपया और सभी शासकीय सेवक सातवें वेतनमान पर 20 श्रेणी शहर हेतु 9% तथा सी श्रेणी और अन्य शहर के लिए 6% भाड़ा भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। सभी पुलिस आरक्षक को 8,000 रुपया किट भत्ता वार्षिक उसको दिया जाएगा। मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपया प्रतिदिन दिया जाएगा। पंचायत सचिव जो 15 साल की जिसकी सेवाएं नहीं हुई है, 15 साल से कम हुई है, उसको 2,500 रुपया और जिनके 15 साल से अधिक हो गया है उसको 3,000 रुपया प्रति माह उसे मासिक दिया जाएगा। उसके साथ साथ उन्हें जो मातृत्व अवकाश है, पितृत्व अवकाश है, वो सब भी दिया जाएगा और 10 लाख तक के उत्पादन राशि एवं 5 लाख तक के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भी लाभ दिए जाने की घोषणा मैंने विधानसभा में की है। तो इस प्रकार से जो कर्मचारी लगातार आंदोलनरत थे, मांग कर रहे थे, उसकी घोषणा मैंने की। अब जो बजट है, मुख्य बजट 1,21,500 करोड़ का था, अब 6,032 करोड़ मिला के अब 1,27,532 करोड़ का आकार हो चुका है। तो ये राजकोषीय जो घाटा है वो 15,199 करोड़ का है और वर्ष 23-24 के लिए जो GSDP है वो 5,09,043 करोड़ का है। अनुपूरक सहित राजकोषीय घाटा 20,040 करोड़ का है। पुलिस का बताया ना, पुलिस वालों के लिए जो 8,000 रुपया जो 26 आइटम उनको देते थे, उसके नगद हम लोग उसका भुगतान करेंगे। हम आवास में आपने देखा कि 2011 के जनगणना के आधार पे बना है, अब 2021 में होना था, तो इस बीच में बहुत सारे परिवार की संख्या में वृद्धि हुई है। बच्चे बड़े हुए, शादी हो गई, मकान है या आर्थिक स्थिति खराब हुई तो कच्चे मकान में है या एकल, नाम्स वही रहेंगे जो भारत सरकार के थे, लेकिन अब नए हितग्राही बन गए हैं। मैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया तो सारे लोग बोलते थे हमारे पास, हमको आवास ये, हमारे पास आवास नहीं है, परिवार बढ़ गया है, एक ही घर है, 3 परिवार हो गए हैं, अब 2 परिवार हैं वो चाहते हैं कि हमको आवास मिले। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन अब वही अधिकारियों के साथ सामने स्थिति ये थी कि 2011 की जनगणना में तो उसका नाम नहीं है, तो हम उसको नहीं दे सकते, इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण अप्रैल 2023 में राज्य सरकार ने कराया और उसमें जो जो डिमांड आई है, सर्वे में जो रिपोर्ट आया है, तो उसी आधार पे ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित होने पर पहले, मतलब जैसे आवासहीनों को देते हैं, कच्चे मकान को देते हैं, पहली प्राथमिकता क्या है जो आवासहीन है, दूसरी प्राथमिकता क्या है जो कच्चे मकान के हैं। तो इस प्रकार जो गाइड भारत सरकार ने जो गाइडलाइन तय किया उसी के अनुरूप ग्राम सभाओं के प्रस्ताव पारित करके फिर उनको राशि दी जाएगी, उसके लिए भी बजट में प्रावधान है। देखिए उसमें कुछ नहीं, जितना हम उपलब्धि बताते हैं ना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना तो उसमें घोटाला भर और लिख दिया, गोधन न्याय योजना तो उसे हमने घोटाला लिख दिया, मेहनत भी नहीं किए भाई इसमें, बिल्कुल उसके सामने में जितनी उपलब्धि है सबको घोटाला 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 लिख दिए, कोई तथ्य नहीं है इसमें, केवल जो उपलब्धि है उसके सामने घोटाला लिख दिया। पहले तो मेहनत भी करते थे, अब मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू भाई। बहन मायावती जी, हमने उत्तर प्रदेश में देखा है और पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ में देखा है, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके जोगी से समझौता किया, जो जोगी जी दिल्ली नहीं जाने की बात करते तो लखनऊ जाके उन्होंने समझौता वार्ता की, वहीं से घोषणा पत्र जारी किया, दोनों मिल के लड़े, तो आखिर में
दो सीट उनको बसपा पहले भी दो सीट थी, अभी दो सीट, एक दो सीट रहती है, उतना उन्होंने प्राप्त किया। देखिए उसके साथ बहुत सारी बाध्यताएँ हैं, उसमें केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है उनको, तो केंद्र सरकार से द्वारा पोषित खासकर जो स्वास्थ्य विभाग में, अब उसमें 60% भारत सरकार का है, 40% हमारा है, और यदि हम परमानेंट करते हैं तो 60% भारत सरकार देगी क्या? जैसे परमानेंट करेंगे वो राशि देना बंद कर देंगे, यदि भारत सरकार सहमत है तो हमें करने में कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल चाहिए, देने उसको करवाए, भारत सरकार यदि 60% राशि परमानेंट करने के बाद भी उन शासकीय सेवकों को, डॉक्टर को, स्टाफ को यदि देने के लिए तैयार हैं, या दूसरे विभाग जितने भी उस प्रकार से योजनाओं के तहत जो संविदा कर्मचारी हैं, जो 37,000 हैं, यदि उनको भारत सरकार सहमति देती है तो परमानेंट करने में हमको कोई अड़चन नहीं है। और इसीलिए जो जो शासकीय सेवक है उसके वेतन के अनुरूप हम लोग अभी 27% जो बढ़ाए हैं, उसका कारण यही है कि इससे काफ़ी राशि बढ़ जाएगी उससे। देखिए एक तरफ जहाँ जितने भी हमारे ऑनगोइंग प्रोग्राम है उसके लिए बजट में प्रावधान है, किसान जो जिनके पावर पंप कनेक्शन के लिए बहुत लंबित डिमांड थी उसके लिए 300 करोड़ का बजट प्रावधान उसमें किया गया है। दूसरी बात यह है कि जो आवासहीन व्यक्ति हैं, अभी हमने 1 अप्रैल से उसका सर्वे कराया था, उसके लिए भी बजट प्रावधान किया गया है। भारत सरकार ने 2021 में उसके सर्वे नहीं कराया, जनगणना नहीं कराई थी, और उसके कारण से हम लोगों ने उसका सर्वे कराया, और जो भी पात्र हितग्राही हैं उसके लिए इसमें बजट में शामिल किया है। ग्रामीण क्षेत्र में जो आवासहीन हैं उसके लिए आवास देने के बजट में प्रावधान किया गया है। बात बिल्कुल सही, मैंने तुलनात्मक बताया कि अन्य राज्य जो हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, ये इनके तुलना में हमारी स्थिति क्या है, और प्रथम तिमाही में भी जो ऋण लिया गया उसके भी चार्ट मैंने उपलब्ध कराए हैं, सदन मैंने रखा है, तो इस हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ है, मजबूत है। भाई यदि उनका प्रेम होता तो 15 साल में दिखाई देता, यदि उनका प्रेम होता तो हमको छत्तीसगढ़ियावाद का आरोप नहीं लगाते, हम तो अपनी संस्कृति को जी रहे हैं जी, हम गेड़ी खेल रहे हैं, भौरा खेल रहे हैं, है ना, फुगड़ी खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ जो हरेली है, तीजा है, वो त्यौहार मना रहे हैं, ये तो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। इनको परेशानी है कि छत्तीसगढ़ियावाद चला रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति जिसको हम लोग जीते आए हैं, अब ये है कि इसको मुख्यमंत्री निवास में कर रहे हैं, शासकीय तौर पे कर रहे हैं, इनको बड़ी पीड़ा हो रही है, इनको तो बहुत तकलीफ है, क्योंकि उनको दबा कर रखे थे। मैं अब उसके बाद देखिए उसके स्थिति ये है कि लगभग उसमें से 105 प्रकरण हैं वो कोर्ट में लंबित हैं, 90 प्रकरण है जो विभागों में प्रचलित है, बचत में फैसले आ चुके हैं, उसके निराकरण भी हो गए हैं और उसमें कार्रवाई भी हो चुकी है, अब न्यायालय को मैं दबाव नहीं डाल सकता, वहाँ तो केवल आग्रह कर सकते हैं, हमारे एजी खड़ा होके उसमें ये मांग सकते हैं कि इसको अर्जेंट हियरिंग मिले, और ऐसा हमने कई बार किया, अनुरोध हम कर सकते हैं, लेकिन जो कल किए हैं प्रदर्शन वो किसी बहकावे में आके नौजवान लड़के लोग किए हैं। भैया एक चीज़ बताओ, भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यक्रम हैं वो सब अंग्रेजी में रहते हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, साइनिंग इंडिया, हेलो इंडिया, तो ये किससे प्रेरित हैं? अब तो इंडिया वर्सेस मोदी हो गया है, एक तरफ इंडिया है दूसरे तरफ मोदी। अब तब तो वो जो 38 लोगों की इकट्ठा की है ना, वो आप लोग भी नहीं बता सकते वो 38 कौन है, 26 का तो बता सकते हो कि हाँ ये इस दल का है, इस प्रदेश का है, जो 38 में से अधिकांश को आप नहीं जानते, पत्रकार हो भी नहीं जानते, जो दिन भर खबरों में रहते हैं।